हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये एक क्रोशिया का पैटर्न बना के दिखा रहे हैं। आप इसको कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं बताना चाह रही हूँ। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ये, और इससे आसन बना सकते हैं, कोस्टर बना सकते हैं, कुशन बना सकते हैं। कुशन के लिए मेरे चैनल में मैंने पीछे कुशन बनाया है, तो उसमें आप एक पार्ट ये और एक पार्ट पीछे का आप प्लेन ले सकते हैं, उसको जोड़ के बना सकते हैं। तो इसका ये सीधी साइड से है, ये उल्टा साइड से है इसका, तो कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस डिज़ाइन को। इसको मैंने दो कलर में बनाया है, एक सफ़ेद और ये मल्टी कलर है, तो इसके वजह से डिज़ाइन ये उभर के आया है। ये ज़रूरी नहीं है आप मल्टी कलर आप ले, आप दो कलर प्लेन कलर भी ले सकते हैं, पर बनाइएगा आप दो कलर से ही, एक लाइट और एक डार्क, तभी ये डिज़ाइन समझ में आएगी। तो ये जो उभर उभर के आ रहा है ये, तो ये दूसरा कलर लगाने की वजह से आ रहा है। एक कलर लगाने से ये उभरा हुआ डिज़ाइन नज़र नहीं आएगा, और बहुत थिक बनता है ये, बहुत ही मोटा थिक बनता है ये। थोड़ी सी मोटी ऊन लीजिएगा इसके लिए, इस तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इसको। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बना लेंगे, तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बना के दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये तीन डबल क्रोशिया बनेगा हमारा, तीन चेन और दो डबल क्रोशिया। फिर तीन चेन बनाएंगे, फिर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, इस तरह से। फिर तीन चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, फिर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक दो तीन बार बना, एक बार और हम बनाएंगे, चार बार बनाना है इसको। फिर तीन चेन बनाएंगे और तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसको, ये जो छोटी डोरी है इसको खींच लेंगे ऐसे, और फिर तीन चेन बनाएंगे। और ये जो फर्स्ट जो तीन चेन बनाया था, इसके टॉप में जाके, वन टू थ्री टॉप में जाके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे इसको, इस तरह से। तो हमारा चार कोना बना ऐसे, और इसको ऐसे खींच के इसको रख लेंगे। इसको बाद में फिर बाद के राउंड में फिर चाहिए ऐसे, तो काटना नहीं है इसको, तो इसको करेंगे। अब यहाँ से हम दूसरा धागा लगाएंगे। अब ये दूसरा धागा हम लगाएंगे, तो जहाँ पे हमने ये स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन किया था, तो ये जो तीन चेन आ रहा है इसके बाद में, मतलब ये जो तीन डबल क्रोशिया है, तो पहला डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पे फर्स्ट में इसको डाल के ज्वाइन कर लेंगे, और एक स्लिप स्टिच ले लेंगे ऐसे, इस तरह से। अब तीन चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन। अब नेक्स्ट में ये वाला जो है यहाँ पे, फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे, इस तरह से। तो ये बना, अब हम चार चेन लेंगे, एक, दो, तीन, चार। ये जो कॉर्नर बना है हमारा, इसके ऊपर से लेके, कॉर्नर के ऊपर से लेके ऐसे, जो पहला डबल क्रोशिया है कॉर्नर के बाद, जो पहला, उसके बाद यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर तीन चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे इसको, इस तरह से। फिर चार चेन बनाएंगे, फिर ये जो कॉर्नर है इसके ऊपर से लेते हुए, ये पहला डबल क्रोशिया है, इसके बाद में यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे,
फिर तीन चेन बनाएंगे। तो इसके बाद वाला जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे, जो बीच में हमारा दो तीन डबल क्रोशिया आ रहा है, एक दो तीन, एक डबल क्रोशिया के बाद से लेंगे और अगले डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पे डाल के सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से चार चेन लेंगे, ये जो कॉर्नर बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ पे डाल के सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर तीन चेन लिया, फिर इसके नेक्स्ट में जाके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब फिर हम कॉर्नर में आ गए, चार चेन लिया, कॉर्नर के लिए चार चेन लेना है, बीच के लिए तीन चेन लेना है। ये जो जहाँ से हमने शुरू की थी ये वाला धागा कलर वाला, वहाँ जाके इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे ऐसे। इस धागे को भी खींच के ले लेंगे ऐसे, बड़ा कर लेंगे, इसको बाद में फिर इस्तेमाल करना है हमें, पीछे कर लेंगे। अब इस धागे को शुरू करते हैं, वाइट वाले को। वाइट वाले को शुरू करने के लिए ये जो कॉर्नर हमारा बना है, चार कॉर्नर, यहाँ से ले लेंगे इसको अंदर ऐसे। अब इसको खींच के छोटा कर लेंगे ऐसे, जैसे हम बनाते हैं। अब इनको पीछे कर लेंगे कलर वाले को ऐसे। अब वाइट धागा लगा लिया, अब तीन चेन बनाया। अब ये जो कॉर्नर है हमारा बन रहा है ऐसे, वहाँ पे दो बार डबल क्रोशिया बनाया। तो तीन डबल क्रोशिया हो गया, तीन चेन और दो डबल क्रोशिया, तीन चेन और दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेंगे और नेक्स्ट ये कॉर्नर में आ जाएंगे, जो चार हमारा कॉर्नर बना था नेक्स्ट कॉर्नर में आ जाएंगे। तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन बनाएंगे और फिर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से तीन डबल क्रोशिया बनाया, दो चेन बनाया, फिर तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके नेक्स्ट वाले कॉर्नर में आ जाएंगे, जो चार कॉर्नर हमारा बना है इसमें तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और फिर तीन डबल क्रोशिया। ये दो कॉर्नर बना, फिर थर्ड में फिर से एक चेन लेंगे, फिर ये थर्ड में आ जाएंगे तीन डबल क्रोशिया, एक दो और ये तीन। अब दो चेन लेके एक दो, दो चेन लिया, फिर से यहीं पे तीन डबल क्रोशिया, एक दो और तीन, इस तरह से। और फिर एक चेन लिया, अब ये जो हमने पहले शुरू किया था, हमने तीन चेन और दो डबल क्रोशिया लेके वहीं पे हम आ जाते हैं, वहाँ तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि हमें छः छः डबल क्रोशिया बनाना है हर कोने में। तो यहाँ हमने तीन बना के हम आगे बढ़ गए थे ऐसे, फिर घूमते हुए हम यहाँ आके यहाँ तीन बनाएंगे, एक दो और तीन, इस तरह से हुआ। तीन पहले बनाया था, तीन अब, और बीच में ये दो चेन ले लेंगे और फिर इसको ज्वाइन कर लेंगे, जो तीन ये डबल क्रोशिया, तीन चेन जो बनाया था इसके टॉप में जाके यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे, इसको खींच लेंगे। बाद में फिर इस आना है इस धागे के साथ। अब फिर से हम ये कलर वाला धागा शुरू करेंगे यहाँ पर, इसके लिए जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया वहीं पे
स्लिप स्टिच के नीचे यहाँ पे ये तीन डबल क्रोशिया दिख रहा है, 1 2 3, इसका पहला वाला स्लिप स्टिच के जस्ट नीचे, यहाँ से इसको अंदर डाल ले लेंगे, ये धागा जो हमने छोड़ा था कलर वाला उसको अंदर खींच लेंगे ऐसे। ये अब ये वाला धागे का काम है हमारा, ये वाइट धागा पीछे जाएगा, बाद में आएगा ये वापस। तीन चेन लेके नेक्स्ट में ये तीन डबल क्रोशिया है, एक डबल क्रोशिया से हमने डाला, तीन चेन लिया, नेक्स्ट में डाल के सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब इसको सिंगल क्रोशिया बना के इसको ज्वाइन कर लिया। अब तीन चेन लेंगे और ये जो यहाँ पे ये जो तीन डबल क्रोशिया है, इस जो कॉर्नर का जो छः है, छः का जो पहला तीन है, ये 1 2 3, ये पहले में यहाँ डाल के सिंगल क्रोशिया बना लिया, तीन चेन बनाया और नेक्स्ट वाले में, इस वाले में फिर सिंगल क्रोशिया बना के इसको ज्वाइन कर लिया ऐसे। अब फिर से तीन चेन लेके नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। अब चार चेन लेंगे, कॉर्नर में हमेशा चार चेन लेंगे हम, जो ये जो हमारी कॉर्नर बनेगी यहाँ चार चेन लेंगे। फिर ये चार चेन लेने के बाद जो ये जो तीन डबल क्रोशिया है उसका पहले वाले में जाके ये सिंगल क्रोशिया बना के ज्वाइन कर लेंगे, फिर तीन चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से बनेगा हमारा। अब फिर इसका नेक्स्ट वाले में आने के लिए तीन चेन बनाएंगे, फिर ये ज्वाइन कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर तीन चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में जाके ज्वाइन कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। अब कॉर्नर में आ गए, कॉर्नर में चार बनेगा, 1 2 3 4 चेन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे, फिर तीन चेन, फिर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। हमें सिल्फ स्टिच से ज्वाइन नहीं करना है, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है यहाँ पे। फिर कॉर्नर में आ गए हम, कॉर्नर में हम चार लेंगे चेन, फिर ये यहाँ से जाते हुए ये पहला डबल क्रोशिया यहाँ डाल के ज्वाइन कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर तीन चेन, फिर ये नेक्स्ट में जाके फिर से ज्वाइन कर लेंगे, फिर तीन चेन लेंगे, फिर ये जो तीन डबल क्रोशिया उसके पहले वाले में जाके ज्वाइन कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर तीन चेन, फिर नेक्स्ट वाले में ज्वाइन कर लेंगे। अब ये कॉर्नर में आ गए, कॉर्नर में हम चार चेन लेंगे हमेशा, ये चारों कॉर्नर में, ये एक ये और ये चारों कॉर्नर में हम चार चेन लेंगे। और फिर ये जहाँ से हमने जोड़ा था, शुरू की थी हमने जहाँ पे, वहाँ जाके हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। बस यहाँ पे हमें हर बार स्लिप स्टिच करनी है जहाँ से ज्वाइन शुरू की थी, बाकी हर जगह हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। अब इसको खींच के बड़ा कर लेंगे, फिर बाद में ज़रूरत है हमें इसकी। अब सफ़ेद धागे में हम आ जाते हैं। अब इस वाइट धागे की फिर से ज़रूरत है हमें, तो यहाँ से जहाँ से हमने इसको स्लिप स्टिच किया, ये जो हमारा कॉर्नर बन रहा है, छः तीन डबल क्रोशिया फिर तीन डबल क्रोशिया, ये कॉर्नर बन रहा है जहाँ पे सबसे पहले हमने तीन चेन ली थी, वहाँ पे इसको डाल ले आते हैं, तो खींच के छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। तीन चेन बनाएंगे, 1 2 3, और यहीं पे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे तीन चेन के बाद।
अब ये तीन चेन और दो डबल क्रोशिया बना लिया हमने। फिर आप एक चेन बना के अब ये नेक्स्ट में यहाँ बीच में आ जाएंगे और यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे और फिर एक चेन लेंगे, फिर ये कॉर्नर में आ जाएंगे। तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया। अब ये भी फिर से बीच में आ जाएंगे। एक बार कॉर्नर में बनाना है और बीच में एक बार बनाना है। फिर से कॉर्नर में आ जाएंगे। हर बार हम एक चेन लेंगे बीच में, नेक्स्ट में जाने के लिए एक चेन लेंगे। फिर यहाँ पे 6 बार बनाएंगे जैसे यहाँ पे बनाया था। तीन डबल क्रोशिया के बाद दो चेन और फिर तीन डबल क्रोशिया कॉर्नर में। एक, दो और ये तीन। फिर एक चेन लेंगे, फिर बीच में आ जाएंगे, फिर यहाँ तीन डबल क्रोशिया। फिर तीन एक चेन लेके यहाँ कॉर्नर में आ जाते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं। इसको ऐसे यहाँ से शुरू की थी हमने, ऐसे 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 यहाँ तक आ जाते हैं। अब ये कॉर्नर में आ गए हम। यहाँ पे हम कॉर्नर में हम तीन चेन और दो डबल क्रोशिया के साथ शुरू किया था, पर कॉर्नर में हम 6 बार बनाते हैं तो ये तीन डबल क्रोशिया है, तो फिर हमें तीन डबल क्रोशिया और बनानी है वहीं पे। अब ये तीन डबल क्रोशिया, ये तीन डबल क्रोशिया, ये इससे शुरू की थी हमने। अब बीच में हमें दो चेन लेना है और ये जो पहला जो तीन चेन है इसके टॉप में जाके इसको ज्वाइन कर लेना है स्लिप स्टिच से। अब जो है फिर ये कलर वाला धागा आ जाएगा ऐसे, तो ये हमारा बढ़ता रहेगा। जैसे अभी दो कॉर्नर के बाद ये डबल क्रोशिया बीच में एक बार, फिर अब नेक्स्ट में भी यहाँ यहाँ होगा 2 बार, फिर तीन तीन बार, 4 बार, ऐसे करते करते ये बढ़ता रहेगा ऐसे। और ये अब उभर के आ रहा है ये डिज़ाइन ऐसे इस तरह से। अब ये कलर वाला धागा जो है ये वाला, जहाँ पे ये इसको स्लिप स्टिच करके ज्वाइन किया था वाइट वाले को, इसको पीछे करेंगे और वहीं पे नीचे से हम ये कलर वाले को ले लेंगे अंदर। फिर तीन चेन, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, ये तीन डबल क्रोशिया इसके नेक्स्ट में जाके स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। फिर तीन चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट इसमें आ जाएंगे ये जो है तीन डबल क्रोशिया जो बीच में हमने बनाया था वाइट वाले राउंड में, इसमें आ जाएंगे। तीन चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में ये तीन डबल क्रोशिया के जो नेक्स्ट में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर तीन चेन लेके यहाँ आ जाएंगे इस वाले कॉर्नर में, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, तीन चेन लेंगे और ये नेक्स्ट में ये जो तीन तीन जो पत्ती आ रही है ये तीन कली यहाँ पे करेंगे। अब हम कॉर्नर में आ गए, कॉर्नर में हम 4 बार बनाएंगे, 4 चेन,
और ये कॉर्नर को ज्वाइन करेंगे यहाँ से ऊपर से लेके, ये जो ये तीन है जो डबल क्रोशिया, ये पहले वाले के बीच में आ जाएंगे हम। और फिर तीन चेन लेंगे और फिर ये नेक्स्ट में आ जाएंगे। ज्वाइन हमेशा सिंगल क्रोशिया से करेंगे, जब धागे शुरुआत करेंगे या धागे को फिनिश करेंगे तब हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से तीन चेन लेंगे और यहाँ तक आ जाते हैं। तीन चेन लिया, इसको ज्वाइन किया, फिर से तीन चेन लिया, ये पहला वाला जो है ये कॉर्नर का, इसमें आ गए, तीन चेन लिया, ये जो नेक्स्ट है इसमें आ गए। कॉर्नर में हम चार बार लेते हैं, चार चेन, दो तीन चार, यहाँ आ गए। इस तरह से आप देखते रहिए, ठीक से ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। ये डिज़ाइन उभर उभर के आएगा, ये ऐसे, ये जो कलर वाला है ये, जब ये वाइट वाला इसके परत पड़ेगी तो ये कलर वाला ऐसे उभर के आएगा। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ये। अब यह कॉर्नर में आ गए हम, जहाँ से हमने शुरू की थी। कॉर्नर में हम चार बार लेते हैं चेन, एक दो तीन चार, और कॉर्नर में हमेशा स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करते हैं। अब ये वाइट वाला धागा फिर से आ जाएगा हमारा, ये इसको खींच लिया, ये फिर बाद में इसकी ज़रूरत है नेक्स्ट वाले राउंड में। अभी वाइट वाला फिर चलेगा। अब मैं यहाँ से यहाँ तक आपको दिखा देती हूँ, पूरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसमें आपको आइडिया हो जाएगा। अब जो वाइट वाला धागा है, हम ये जो कॉर्नर बन रहा है हमारा, तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और तीन डबल क्रोशिया, यहाँ से हमने वाइट वाले को अंदर ले लेंगे। आप तीन चेन लिया, यहीं पे दो डबल क्रोशिया बनाया, तीन तीन डबल क्रोशिया हो गया, तीन चेन और दो डबल क्रोशिया। अब जो पीछे पहले राउंड में हमने वाइट वाले राउंड में एक बनाया था ये बीच में, अब हमारा दो हो गया, देखिए एक यहाँ दो हो गया। एक चेन लेके नेक्स्ट में जाने के लिए एक चेन लेंगे हमेशा, बस कॉर्नर में दो चेन लेंगे हमें, तीन डबल क्रोशिया के बाद दो चेन फिर तीन डबल क्रोशिया, लेकिन इसमें हम जब यहाँ पे आएंगे हम तो एक चेन लेंगे। एक चेन लेके ये इसमें आ गए, तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ, एक दो तीन, फिर एक चेन लेके ये नेक्स्ट वाले में, यहाँ यहाँ जैसे एक दो दो कॉर्नर के बाद बीच में एक था, यहाँ पे दो 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 कॉर्नर के बाद बीच में दो होगा, एक और फिर ये। हो गया, फिर एक चेन लेके
फिर ये कॉर्नर में आ जाएंगे, यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन डबल क्रोशिया, अब मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको, कॉर्नर में ये छः डबल क्रोशिया हो गया, तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक चेन लेने के बाद यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया होगा, फिर एक चेन लेने के बाद यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया होगा, फिर एक चेन लेने के बाद ये कॉर्नर में आ जाएंगे, तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन डबल क्रोशिया, मतलब टोटल छः डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेने के बाद यहाँ तीन डबल क्रोशिया, एक चेन लेने के बाद यहाँ तीन डबल क्रोशिया, यहाँ फिर छः, बीच में दो चेन, ऐसे करते करते हम यहाँ से गए, ऐसे करते करते यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे, यहाँ पे हमने तीन डबल क्रोशिया के साथ शुरू किया था, मतलब तीन चेन और दो डबल क्रोशिया के साथ शुरू किया था हमने। तो जब हम यहाँ पे घूमते हुए जब यहाँ आएंगे, हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में दो चेन बनाएंगे, क्योंकि छः डबल क्रोशिया के बाद हम बीच में हम दो चेन लेते हैं, इसलिए तीन डबल क्रोशिया ये हो गया हमारा पहले का जहाँ से शुरू किया था, और जब हम यहाँ से घूमते हुए आएंगे तीन डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, बीच में दो चेन बनाएंगे, तो ऐसे ही हमारा बढ़ता रहेगा और ये उभर उभर के आएगा ऐसे, ये कलर वाला ऐसे, जब ये राउंड होगा और पता चलेगा जैसे। तो चलिए शुरू पूरा कर लेती हूँ मैं जितना मुझे चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।